चिकन, वेरी इजी वे. सबसे पहले किसी ने अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब मी, शेयर एंड लाइक प्लीज, एंड लेट्स स्टार्ट. ओके, आई विल टेल यू व्हाट वी नीड. बटर, हनी, फ्रेश क्रीम, सिनेमन, ग्रीन कार्डमम, पेपरकॉर्न्स, क्लोव एंड ब्लैक कार्डमम, एंड श्रेडेड चिकन, दिस इज रोस्टेड चिकन, सम गार्लिक, जिंजर, अनियन, टमाटोज एंड रेड कलर, पॉट, स्पाइसेस एंड हॉट वाटर. ओके, फर्स्टली वी नीड टू स्टार्ट गैस. अब हम इसमें पानी डालेंगे थोड़ा सा. अब इसमें हम अनियंस डालेंगे. ये सिर्फ एक अनियन है, बिग साइज, 3 or 4 क्लोव्स गार्लिक एंड लिटिल बिट जिंजर, 3 बिग साइज टमेटोज एंड ये खड़े मसाले. अब इसमें हम थोड़ा सा बटर, और इसको अब हम कवर करके सबको पका लेंगे जब तक टमाटो मैशी ना हो जाए. इसको अच्छी तरह से हम पका लेंगे नियरली 5 मिनट्स. अब ये ऑलमोस्ट मैशी हो गया है. अब इसको हम थोड़ा ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे. अब हम इसकी गैस बंद करके थोड़ी देर इसको ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे. अब हम इसे ग्राइंड कर चुके हैं, अब इसको हम इसमें छान लेंगे फाइन पेस्ट को. इसको बिल्कुल फाइन पेस्ट में बना लेंगे. अब हम ताकि जो बड़े बड़े मसाले हैं या टमाटर के छिलके हैं वो हमारी ग्रेवी में ना आए. मेरे बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा है बिकॉज मैं नई नई डिशेस रोज़ बना रही हूँ. बहुत खुश है, वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं. मम्मा आप बहुत सही कर रहे हो, मोर डिशेस बनाओ. वो रोज़ मुझसे ये रिक्वेस्ट, आज मम्मा आप क्या बनाने वाले हो. सो वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं. आप मुझे बताओ कि नेक्स्ट मैं आपके साथ कौन सी डिश शेयर करूँ. अब ये ऑलमोस्ट सारा मुझे आ चुका है, ऊपर मसाले एंड जिंजर की छिलके रह गए हैं, बट मसालों का सारा असर ग्रेवी में जा चुका है. फाइन पेस्ट बन चुकी है, अब हम इसको वहाँ पर बनाएंगे. अब हम अपनी गैस को उसी पॉट में ऑन कर लेंगे, और पहले हम इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे. और साथ में बटर डालेंगे. बटर मेल्ट हो चुका है. इसको भी आप राइस के साथ खाइए या फिर लच्छा परांठा बनाइए, उसके साथ बहुत अच्छा लगता है. मेरे ऑफिस के कुछ फ्रेंड्स हैं
बच्चों को इंडियन खाने में सबसे अच्छा बटर चिकन लगता है। अब इसमें हम अपनी ग्रेवी डाल देंगे और इसको थोड़ी देर पकाएंगे। इसमें हम कश्मीरी मिर्च, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और इसको हम सिमर होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देंगे। हमारा चिकन क्रीम हनी रेडी है। ग्रेवी थिक बिल्कुल सही है, जस्ट इसको थोड़ा सिमर हो। अब इसमें मैं थोड़ा सा शाही पनीर मसाला डाल दूंगी। इसको थोड़ा और सिमर होने के लिए हम रखेंगे। इसमें हम अपना चिकन डालेंगे। बटर चिकन में वैसे चिकन पहले का रोस्ट किया हुआ पड़ा हो तो ही ज्यादा अच्छा लगता है, लाइक रीकुक। अब इसमें हम थोड़ा सा हनी डालेंगे। Not too much. Just little bit sweet के लिए। Black pepper. Cream. Wow, this looks so delicious. I don't think हमें इसमें food color डालने की ज़रूरत है। Already, अब इसमें हम a little कसूरी मेथी add करेंगे। को बस हाथों में मसल के ऐसे एंड हमारा बटर चिकन ऑलमोस्ट रेडी है। इसको थोड़ी देर के लिए हम सिम कर लेंगे। ओके, हमारा बटर चिकन इज रेडी नाउ। Smells so good. I'm enjoying my green tea and you enjoy it. I will show how to I plate. And enjoy karo apni prawnthi ke saath and rice ke saath, whatever you like. Khud bhi khaiye, apni family ko bhi khaiye aur mujhe bataiye aapko ye recipe kaisi lagi. Okay, our butter chicken is ready. एंड हम इसको लच्छा परांठा के साथ खाएंगे। ये फ्रोजन परांठे हैं विद सैलेड। दिस इज हाउ दिस लुक्स।
सो आप भी ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी. बिलीव मी, बटर चिकन इज रियली डिलीशियस. ट्राई ज़रूर करिए. थैंक यू.